और राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि बालूमाथ में राजेंद्र साहू की हत्या उग्रवादियों ने पैसे के लेनदेन की वजह से की है और इस मामले में उन्होंने हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया है। एक मांग पत्र दिया है अपनी, उसमें क्या कहते हैं कुछ खाल की जो घटनाएं हैं, खासतौर से ऐसे लातेहार की घटना घटी थी या फिर दलदली चौक पर जो घटना घटी थी और जू सेंटर वाले की तीन घटनाओं के बारे में उन लोगों ने डिस्कस किया था। तो तीनों घटनाओं में जो है पुलिस के द्वारा उनका उद्भेदन किया जा चुका है। लातेहार की घटना में भी तीन व्यक्ति जो मुख्य रूप से जिन्होंने प्लानिंग किया था और जिन्होंने मतलब शेल्टर वगैरह दिया था अपराधियों को, वो गिरफ्तार ऑलरेडी हो चुके हैं और जिसने गोली चलाई थी उसका भी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और स्थानीय पुलिस और बाकी और दूसरे हमारी पुलिस उनके पीछे लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो भी गिरफ्तार होगा। और जहां तक इसमें दलदली चौक सुभाष मुंडा वाला था तो उसमें भी घटना के कारण जो थे वो जमीनी विवाद था और जो उनके साथ रहने वाले लोग थे उन्होंने ही मतलब पैसे के लालच में, पैसे के लेन देन में ही उसकी हत्या करवाई थी। इसी तरीके से जो लातेहार में भी जो घटना घटी है तो वो कोई अचानक घटना नहीं घटी थी, उसके अंदर भी जो अब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल रहा है कि कुछ पैसा, कुछ नहीं बल्कि काफी संख्या में जो पैसा था उसका लेन देन किया गया था और कुछ ऐसे तत्वों के साथ किया गया था जो कि मतलब सोकॉल्ड नक्सली संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो वो भी उसी में लेन देन के ही क्रम में उसकी हत्या हुई है। और जहां तक जूस सेंटर वाले की बात है तो उसमें भी आइडेंटिफिकेशन होकर के जिन लोगों ने कराया गया है वो भी एक उनकी व्यावसायिक जो प्रतिद्वंदिता थी बिजनेस रायवली के चलते उसका भी मतलब ये घटना कराई गई है। तो तीनों जो घटनाएं हैं मुख्य तौर पर दुखद हैं और गंभीर घटनाएं हैं, लेकिन इनके पीछे कहीं ना कहीं बिजनेस रायवली और उसके अलावा जो जमीन से रिलेटेड या पैसे के लेन देन को रिलेटेड ये आपसी विवाद है, जिसमें कि आपसी विवाद में जिन लोगों ने घटनाएं करवाई है उन लोगों ने पूरी प्लानिंग करके ही इस तरीके के अपराधों को पारित कराया है। तो ठीक है, लेकिन मतलब जितने भी आपके द्वारा बताया गया इसमें अगर कोई स्पेसिफिक हो तो बताइए। वैसे हम लोग तो अपनी तरफ से इस तरीके के जो जमीन विवाद से संबंधित हैं या जमीन से रिलेटेड हैं तो सरकार के लेवल पर भी उस पर काफी मतलब इम्फेसाइज किया जा रहा है, हम लोग भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि पहले से ही आइडेंटिफाई करें कि जो इस तरीके के जमीन संबंधित जो भी काम करते हैं, खरीद फरोख्त का काम करते हैं या दूसरे और काम करते हैं उन पर नजर रखी जाए और आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।